हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉग रोलिंग आरते। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, जिसको बेसिकली कहते हैं द कॉमन एप्लीकेशन, और शॉर्ट फॉर्म जिससे मोस्टली ये फेमस है या जिससे जाना जाता है वो है कॉमन ऐप। अब ये कॉमन ऐप है क्या? बेसिकली सबसे पहले ये समझना है कि वॉट इज़ कॉमन ऐप। कॉमन ऐप एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एडमिशन एप्लीकेशन होती है जिसको एप्लीकेंट्स भरते हैं टू गेट एडमिशन इन मोर देन 700 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन अक्रॉस 49 स्टेट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एज वेल एज इन कैनेडा, चाइना एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज़। तो बेसिकली जो भी इंडिया से या किसी भी कंट्री से जो भी बाहर जाके US के कॉलेजेस में, कंबोडिया के, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना वगैरह में पढ़ना चाहता है तो एक कॉमन एप्लीकेशन उनको फिलअप करनी पड़ती है फर्दर स्टडीज़ के लिए, एंड इस एप्लीकेशन को बोलते हैं कॉमन ऐप। तो एक ही कॉमन एप्लीकेशन है जिसको भरना है एंड जिसके थ्रू जो भी सिलेक्टेड कॉलेजेस होते हैं उनके पास आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली पहुंच जाती है। न कॉमन एप्लीकेशन की जो कॉमन ऐप है उसकी खुद की कोई फ़ीस नहीं है, इट इज़ फ्री। लेकिन जो मेंबर कॉलेजेस हैं उनकी अपनी फ़ीस होती है जो कि आपको देनी पड़ती है। कुछ कॉलेजेस की फ़ीस होती है, कुछ कॉलेजेस की नहीं होती है। सो मोस्टली या यूजली सभी की फ़ीस होती है, ठीक है। तो इसमें करीब कितने कॉलेजेस हैं? 700 मेंबर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो US के ही हैं और बाकी कुछ कनाडा के हैं, कुछ चाइना के हैं, कुछ कंबोडिया के हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो भी प्रेफरेंस कॉलेजेस हैं, लेट्स से आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं या प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं या NYU में पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वंस यू लॉग इन और रजिस्टर टू दिस कॉमन ऐप, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है, बेसिकली जो डील कर रहा है, इट इज़ अबाउट द चेंजेस 2018-2019 कॉमन ऐप में क्या बदलाव हुए हैं पिछली बार से। तो क्या नया है, व्हाट्स न्यू इन 2018-2019 कॉमन ऐप। तो पिछली बार क्या हुआ था, एक नया टैब इन्होंने इंक्लूड करा था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। जो भी इससे परिचित हैं वो जानते होंगे कि बेसिकली एक एप्लीकेशन फॉर्म होती है जिसमें डिफरेंट टैब्स या डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट को फिल आउट करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि माय कॉलेज या कॉमन ऐप, कॉलेज सर्च, फाइनेंशियल एड, इस टाइप के करके डिफरेंट वो होते हैं टैब्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं जो फिल आउट करते हैं। तो पिछली बार एक नया टैब या एक नया सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम था कोर्सेज एंड ग्रेड्स, ठीक है। उससे पहले ये वाला सेक्शन नहीं था। अब ये क्यों डाला गया था? ये बेसिकली इसलिए डाला गया था कि ये सेक्शन इसलिए ऐड करा गया था कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब अपने ग्रेड्स या प्रेडिक्टेड ग्रेड्स या ट्रांसक्रिप्ट्स जिनको चाहिए होती है स्टूडेंट्स से, वो डायरेक्टली उन कॉलेजेस को वो भेज सके। तो इस बार क्या इम्प्रूवमेंट इसमें करा गया है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट, अच्छा पिछली बार ये था कि हर किसी को भरना पड़ता था वाला सेक्शन, अब ऐसा नहीं है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स ये वाला सेक्शन भरेंगे जो कि उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं जिनको ट्रांसक्रिप्ट्स की ज़रूरत है। मतलब नॉट एवरीवन इज़ रिक्वायर्ड टू फिल अप दिस सेक्शन, ओके। सो इन द अपकमिंग एप्लीकेशन स्टूडेंट्स कैन नॉट एंटर द सेक्शन अनलेस दे आर अप्लाइंग टू अ मेंबर कॉलेज दैट रिक्वायर्स कोर्सेज एंड ग्रेड्स। मतलब अगर उस मेंबर कॉलेज को जो कि उसके माई कॉलेज लिस्ट में एडेड है, अगर वो कॉलेज रिक्वायर करता है कि आप ग्रेड्स और ट्रांसक्रिप्ट डालो, तब तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप दिस सेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड ग्रेड्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फिल अप दिस सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ वन मेजर इम्प्रूवमेंट। द क्वालिफाइंग क्वेश्चन टू बिगिन कोर्सेज एंड ग्रेड्स हैज़ ऑल्सो बीन सिंप्लीफाइड। बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे स्टूडेंट से, अगर उन दोनों क्वेश्चन में से अगर आंसर नो होता है टू एनी ऑफ द क्वेश्चन, द आंसर इज़ नो, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल अप दिस टैब, अदरवाइज यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल अप दिस सेक्शन, ओके। अब वो दो क्वेश्चन क्या हैं? पहला क्वेश्चन है कि वेदर दे कैन ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर ट्रांसक्रिप्ट्स, और दूसरा क्वेश्चन है इफ दैट ट्रांसक्रिप्ट शोज ग्रेड्स फॉर कंप्लीटेड कोर्स, ठीक है। तो क्या जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपने फाइनल बोर्ड के रिजल्ट आने से पहले ही ये बेसिकली भरना होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो डेडलाइन होती है इट इज़ मोस्टली इन डिसम्बर 31st या जनवरी 1st वीक में होती है फॉर सम वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस
के लिए। बाकी तो रोल ओवर एडमिशन्स चलते रहते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन मोस्टली डेडलाइंस जो हैं आपकी एसेज भरने की, एसओपीज देने की, इन सब की डेडलाइंस होती है 31 December या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो अगर तब तक आपके पास क्या ट्रांसक्रिप्ट्स की कॉपी आपको मिल सकती है, यानी कि आपको अपने रिजल्ट की कॉपी मिल सकती है, अगर आंसर है येस, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भरेंगे कि इफ़ दैट ट्रांसक्रिप्ट इज शोज द ग्रेड फॉर द कम्प्लीटेड कोर्स। तो क्या वो ट्रांसक्रिप्ट ये शो करेगी दैट यू हैव कम्प्लीटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स, यानी कि जो भी आप अप्लाई, जो भी आप कोर्स डाल रहे हैं कि आई हैव कम्प्लीटेड माई क्लास 12th, तो क्या आप की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ये शो करेगी? अगर हाँ है दोनों का आंसर, तभी यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल दिस सेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड ग्रेड्स, अदरवाइज यू कैन स्किप एंड मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर सेक्शंस। अब इसके अलावा भी कुछ माइनर एनहांसमेंट्स हुए हैं, जैसे कि एक मोर इंक्लूसिव एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए है, दूसरा एनहांसमेंट क्या है, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, और तीसरा है अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल ऑफ पर्सनल डेटा। ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू अदर एनहांसमेंट। सो एज वी हैव टॉक्ड, पहला है अ मोर इंक्लूसिव एक्सपीरियंस। अब इसका क्या मतलब हुआ मोर इंक्लूसिव एक्सपीरियंस? ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अमेरिकन इंडियन है या अलास्का के नेटिव हैं। सो दिस बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये अप्लाई नहीं करते, लेकिन फिर भी जस्ट टू इन्फॉर्म कि इसमें क्या है कि डेमोग्राफिक्स वाले सेक्शन में, प्रोफाइल टैब में एक डेमोग्राफिक्स का सेक्शन होता है। ठीक है, सो वो स्टूडेंट्स जो कि अमेरिकन इंडियन है या अलास्का के नेटिव हैं, उनको जो है नाउ दे विल बी एबल टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक ट्राइब इन विच दे आर एनरोल्ड। ठीक है, एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एनरोल्ड, दे विल बी एबल टू टाइप अ शॉर्ट रिस्पॉन्स डिस्क्राइबिंग देयर ट्राइबल डिसेंडेंसी। सो अब क्या है कि पहले सिर्फ आपको ऑप्शन दे दी जाते थे कि आपको सेलेक्ट करना है कि आप अलास्का नेटिव के हैं या अमेरिकन इंडियन है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता था। अब तो ये एनहांसमेंट्स जो इम्प्रूवमेंट्स करे गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट विल गेट अ मोर इंक्लूसिव एक्सपीरियंस वाइल फिलिंग आउट द कॉमन एप्लीकेशन। नाउ द अदर सेकेंड इम्पॉर्टेंट एनहांसमेंट इज़ द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। अब ये कैसे करा गया है? ये इस तरह से करा गया है कि जब, अब क्या होगा, जब भी आप कोई स्टूडेंट कॉमन ऐप भरेगा या कॉमन एप्लीकेशन भरेगा, तो वेन ही चूजेस टू इंक्लूड देयर सोशल सिक्योरिटी नंबर, बेसिकली एप्लीकेशन में सोशल सिक्योरिटी नंबर डालनी होती है, जो कि आपको वाइल फिलिंग आउट या वाइल आफ्टर रजिस्टरिंग यू गेट दिस सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये मिलता है। तो जब आप सोशल सिक्योरिटी नंबर भर रहे होते हैं एप्लीकेशन में, दैट नंबर विल बी मास्क्ड ऑन द स्क्रीन्स। ठीक है, सो वेन यू आर फिलिंग आउट दैट नंबर, वो छिपा रहेगा, जैसे कि वेन यू फिल आउट अ पासवर्ड, सो यू उसमें वो लाइक एग्जैक्ट पासवर्ड क्या होता है वो नहीं दिखता है, एस्ट्रिक्स बनकर आता है। तो इसी तरह से आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होगा वो भी मास्क रहेगा। ठीक है, प्रीव्यू सेक्शन में भी और पीडीएफ फॉर्म में भी। एंड ये उसी केस में कोई काउंसलर या कोई एडवाइज़र देख पाएगा वो सोशल सिक्योरिटी नंबर, जब उसके पास परमिशन होगी स्टूडेंट से। सो जब वो स्टूडेंट ये परमिट करेगा किसी भी एडवाइज़र को या अपने काउंसलर को या किसी काउंसलर को, जब वो परमिट करेगा कि येस यू कैन व्यू माय सोशल सिक्योरिटी नंबर, तभी वो अनमास्क होगा, यानी कि तभी वो शो होगा, अदरवाइज वो मास्क रहेगा, यानी कि छिपा रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से दिस इज अ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, या कि प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहेगी। थर्ड एनहांसमेंट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल ऑफ पर्सनल डेटा। अगेन दिस इज फॉर यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंडर के लिए बात है, कि अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव, रिकमेंडर और इंडिविजुअल लोकेटेड इन अ यूरोपियन यूनियन कंट्री लाइक और आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, एंड यू प्रोवाइड द कॉमन एप्लीकेशन विद योर पर्सनल डेटा, यू विल हैव अ न्यू प्राइवेसी राइट अंडर द GDPR। सो GDPR के अंदर आपको एक नई प्राइवेसी एक्ट मिलेगी। ठीक है, तो अपने पर्सनल डेटा को आपके पास बेटर कंट्रोल होगा और अपने उस कंट्रोल का बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है,
सो दीज आर द मेजर चेंजेस जो इस साल के कॉमन ऐप में आए हैं. कॉमन ऐप जो है अगस्त 1st को ही रिलीज़ किया गया है या ओपन किया गया है फॉर नेक्स्ट सेशन ऑफ एडमिशंस. सो एनी स्टूडेंट हु इज़ विलिंग टू फिल अप द फॉर्म फॉर द हायर एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड मस्ट गेट डाउन टू वर्क राइट नाउ. एंड उन्होंने अपने ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी इस 2018-2019 के लिए ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी दे दिए हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे. व्हाट आर द ऐसे प्रॉम्प्ट्स फॉर 2018-2019 कॉमन एप्लीकेशन. सो अभी के लिए फिलहाल यही मेजर चेंजेस थे. तो पहला, जैसे हम लोगों ने बात करी कि कोर्सेज एंड ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट करा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है. देन कि अननेसेसरीली आपको सेक्शन भरने की ज़रूरत नहीं है. बाकी एनहांसमेंट में क्या है कि ज़्यादा इंक्लूसिव एक्सपीरियंस मिल रहा है, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी हो रही है एंड अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल ऑफ पर्सनल डेटा. दीज आर द मेजर एनहांसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट्स इन दिस ईयर्स ऑफ कॉमन ऐप. सो ऑल द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, फिलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, सेंड मी मैसेजेस इन द कॉमेंट बॉक्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट्स एंड फीडबैक. Bye-bye and see you and thanks for watching this video. Bye.